जी हाँ भाई और बहनों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल चुपादी पर। मेरा नाम है पम्मी और ये है हमारी प्यारी हाई पिक्सल की दुनिया। और बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाते हुए खड़ा है हमारा प्यारा पेचकश, जिसके ऊपर मैंने पूरा 16 मिलियन कॉइन्स खर्चे हैं और इसने एक डैमेज भी नहीं किया। और तुम लोगों ने मेरे आदरण का क्या बना कर रखा है यार, बिल्कुल कुछ नजर ही नहीं आ रहा। अमेज़न का जंगल लग रहा है मेरे को तो। और ये गधों, तुम इस जंगल के अंदर कैसे काम कर रहे हो यार, मेरे को तो कख नहीं दिख रहा यार। क्या ये मंगलू मेरे को लगता है कंकाल करवाएंगे। मैंने सोच के रखा था कि मैं रातों रात रातों रात दिनों दिन अमीर हो जाऊंगा, लेकिन वो दिन तो मेरे को कुछ ज्यादा ही दूर लग रहा है। और आज की वीडियो में गाइस हम ये सारे मंगलूस खाली कर देंगे, एकदम मालामाल हो जाऊंगा मैं तो यार। और आगे बढ़ने से पहले गाइस एक बार सारे मिलकर सब्सक्राइब का बटन दबा दो, क्योंकि 1 सब्सक्राइब इक्वल्स टू 1 मिलियन कॉइंस। ये सारे कर दो प्लीज, मेरे को मालामाल होना यहां पर। लेकिन मालामाल होने से पहले मेरे को जेरी को ढूंढना पड़ेगा। हो जेरी कहां चला गया यार? ओके, लास्ट टाइम जब मैंने वीडियो शुरू की थी तो वो छत के ऊपर बैठा था। ओके, ओ जेरी, अबे कहां पे चला गया भाई मेरे, मुझे तेरे को ढूंढना है यार। अगर इस बारी जेरी मेरे को मिल गया ना तो कसम से मैंने इसको डंडे मार के बाहर निकाल देना है। और चौधरी साहब बाहर आ जाए, मैंने आयलैंड तेरे ऊपर छोड़ के रखा था और लगता है यही आयलैंड छोड़ के भाग चुका है। और ये रही गाइस मेरी शॉप। तो ये है चुपाती स्कैमिंग लिमिटेड, जहां पर मैंने लाइव स्ट्रीम के अंदर बहुत सारे लोगों को लूटा। बिच्छू गैंग की दुकान, एक लाइक बनता है गाइस हमारी दुकान के लिए। यहाँ घर के अंदर जरूर होगा जेरी। जेरी कहाँ पे है यार? ये लौंडा लगता है आयलैंड छोड़ के कहीं भाग तो नहीं गया। चलो अच्छा है आयलैंड छोड़ के भाग गया। 24 घंटे इसने पार्टियां ही करनी होती है। यहाँ पर कौन है ये छोटा जेरी, कहाँ से आ गया? तेरे पापा जी कहाँ पर हैं? हाथ जोड़ के खड़ा है मेरे सामने, तेरे को बताता हूँ मैं, तेरे पापा जी कहाँ पर हैं? जेरी कहाँ पे चला गया यार, मेरे पास इतना टाइम है भी नहीं तेरे को ढूंढने का। कहाँ ये रहा, मेरी तरफ देख रहा है? मैं इतनी देर से आवाज लगा रहा हूँ, ये नहीं कह रहा कि एक बारी मैं हाँ बोल दूं तेरे को, ये नहीं कह रहा कि मैं एक बारी आज तू पटेगा जेरी मुझसे। देख जेरी, मैं आराम से समझा रहा हूँ, ये आइलैंड हम सबकी प्रॉपर्टी है, तेरे को देख रेख करने के लिए मैंने यहाँ पे खड़ा करके रखा है और तू यहाँ पर नजारे ले रहा है। चाय वगैरह चाहिए तो मैं लेके आता हूँ ना आपके लिए। क्या चाहिए? लंबी नाक वाले दरिंदे, मैंने घुसन मार के तेरी नाक छोटी कर देनी है। किसके नजारे ले रहे हैं? वहां पर तो कुछ है भी नहीं। अच्छा, पेठों के नजारे ले रहा तू यहाँ पर बैठ के। तेरे को बताता हूँ मैं, आज अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ और यहाँ पर उसका अंडा ले लूँ और यही अंडा अगर मैं वॉइड में फेंकूँ तो जेरी, ओ तेरी मैं खुद ही चला गया। शेट यार, अब तो ये जेरी बिल्कुल भी नहीं बचेगा, इसने मेरा बहुत दिमाग खराब करके रखा हुआ। कोने के अंदर बैठा है, पूरे आइलैंड के ऊपर मैं उसको देख रहा हूँ, और अगर मैं ये अंडा यहाँ से फेंकूँ तो बाय बाय जेरी। क्या बात है, एक ही बार में गया। तेरे को मैंने नीचे फेंका था, अभी तक वहां पे खड़ा है। अभी मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है गाइस, क्यों ना मैं जेरी का अंडा बाजार में ले जाके बेच दूं। कोई ना कोई तो इसके अच्छे भाव मेरे को देगा ही देगा। No. सबसे पहले गाइस मैं इसको जाकर यहाँ एनपीसी पर बेचता हूँ। चाचू कैसे हो? मेरे पास जेरी है, अच्छे दाम दे दिए उसके। तो अगर इसके ऊपर मैं क्लिक करूँ और जेरी को यहाँ पे लगाऊं तो ओके, मैं जेरी बेच ही नहीं सकता यार। सुनो हाइपिक्सल के वासियों, मेरे पास आ चुका है जेरी का अंडा। इस अंडे के अंदर से बहुत ही शक्तिशाली ताकतें निकलती हैं। इतिहास के मुताबिक अगर ये अंडा आप अपने आयरन के ऊपर रखोगे तो आप कंगाल हो जाओगे। हे रुको, मेरे साथ ऑलरेडी कोई ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। और कौन ट्रेड कर रहा है? सरदार जी प्लीज मेरा अंडा ले लीजिए, मेरे को मुंह मांग, मेरे को 50 मिलियन चाहिए इसके, बहुत पवित्र अंडा है। फ्री में लेके भाग गया। हाँ थैंक यू। तो अभी अगर मैं अपने आइलैंड पर वापस जाऊं तो शायद मेरे को जेरी वहां पर नजर नहीं आना चाहिए। तो गाइस इसी के साथ ही हमने जेरी से छुटकारा पा लिया। हे बैंकर वाले भाई, अजी कैसे हो? तो सबसे पहले गाइस मेरे को अपना बैलेंस चेक करना है और मेरा बैलेंस है फिलहाल 33 मिलियन कॉइन्स। क्या बात है, अभी मैं अपने मंगलूस खोल के ये 33 मिलियन कॉइन्स में बदल जाएंगे। हेलो मंगलू, बता दे तेरे पास बहुत माल है तो अगर मैं इसका चेस्ट खो, ओ भाई पूरा चेस्ट नीली भरा हुआ है। अगर मैं मंगलू के, ओ थैंक यू सर जी, तू मेरे को आज माला माल करेगा। और काम कर। और मेरे को लगता है कि सबसे ज्यादा पैसा मेरे को गाइस देगा ये डायमंड मंगलू। और 20 साल बाद आया हूँ तो इसकी इन्वेंटरी एकदम पूरी भरी होनी चाहिए। तो अगर मैं इसकी इन्वेंटरी खोलूं तो 20 साल में तूने सिर्फ 3 ब्लॉक माइन किए। थियरी तू मैं मंगलू कहीं के थियरी तेरे को बताता हूँ मैं। ऑनेस्टली गाइस अगर देखा जाए तो सारे मेरे को कंगाल करने में ही तुले हुए हैं। तो एक काम करते हैं गाइस, सबसे पहले मैं थोड़ा अपना आइलैंड क्लियर कर लेता हूँ, एकदम जंगल सा बन चुका है। मारो और डायमंड वाले मंगलू के अंदर से थोड़े बहुत डायमंड्स भी निकाल लो, क्योंकि मेरे को अभी यहाँ पर बनानी है छोटी सी पिक एक्स। इसकी लकड़ियां बनाओ, इसको ऐसे रखो, टक 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 बूम। भाई क्या स्पीड है मेरी, और आराम से, ओ माय गॉड क्या एकदम खतरनाक वाली स्पीड से मैं यहाँ पर पिक एक्स ला रहा हूँ। पिछले 3 घंटे से मैं यहाँ पर ट्रीज तोड़ रहा हूँ। मेरे को लगा था कि ये पिक एक्स एकदम सुपर डुपर फास्ट एंड फास्ट हो गई,
ये तो कुछ भी नहीं कर रही यार, एक एक लॉग मेरे को हाथ से तोड़नी पड़ रही है यार, कितनी बेकार पिकैक्स है यार ये तो। ए लॉगी प्लीज मेरी हेल्प कर दे, मेरे को सारे ट्रीज तोड़ने हैं, तू मेरे को कोई ऐसी एक्स दे जिससे मैं एक मारूं सारे टूट जाएं। एक मिनट, मैं आपके साथ ट्रेड करता हूं भाई। क्या दे रहा मेरे को लॉगी, कुछ ना कुछ तो, ये सारा काम दे ले मेरे को नहीं चाहिए। ओ तेरे तुर्क में 61 डायमंड्स दे रहा हूं, ओ माय गॉड, ये क्या दे रहा, अरे यस, क्या बात है लॉगी, तू तो एकदम जबरदस्त बंदा, कहां ये रुक, मैं तेरी तारीफ कर रहा हूं गधे, ये ट्री है ये कैसे, ये कौन बना रहा है ये ट्री, ये कैसा ट्री है भाई, सर जी अंदर कोई है तो मेरे को बताना, तू जंगलों भाई तू जंगलों के अंदर कर क्या रहा है, जितना बड़ा ट्री उगा है पहले इसको तो काट ले, और उगा रहा मेरे लिए, इसको भी यहाँ से तोड़ो, क्या बात है गाइस, ये एक्स तो एकदम डेंजरस लेवल की है, ये देखो एक मारा एंड पुचिंग, पूरा पूरी लकड़ी ले गया यार, और अजीब सी बात लकड़ सीधा मेरी इन्वेंटरी के अंदर आ रही है, नाइस। तो ये नीचे गाइस हमारे ट्रीज एकदम से कंप्लीट होने वाले हैं, मैं कर रहा हूँ काम कर रहा हूँ, मैं ट्री काट रहा हूँ, ये चार लौंडे फिर से उगा रहे, और मजे की बात तो ये है कि ट्रीज काटे काटे भी मैंने गाइस बहुत सारे पैसे कमा लिए, ठरा अभी जाके इसको बाजार में बेच के आते हैं। हेलो अंकल जी, कैसे हो, तेरे को तो मैं बहुत टाइम बाद मिल रहा हूँ, और मेरे को अच्छी तरीके से याद है तूने लास्ट बारी मेरे को खतरनाक लूटा था, तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ और फचैक से बेचो इसको भी बेचो, तो लीजिए गाइस सब कुछ मैंने बेच दिया, और मुफ्त के मेरे को मिल चुके हैं 3.5 लाख कॉइंस, क्या बात है, इसको डालते हैं बैंक के अंदर, हे तू मेरे को टाइम टाइम से इंटरेस्ट देता रहा ठीक है ना, मोटा माल दिया मेरे को मोटा, हाँ समझ गया। तो गाइस लास्ट सीरीज खत्म करने से पहले मैंने इन सारे मंगलूर्स के अंदर मैंने एक चीज लगा कर रखी थी, और वो है इंचांटेड हॉपर, जो कि है ये रहा, तो इसकी खूबी एकदम सिंपल है। तो गाइस अगर हमारे मंगलू की इन्वेंटरी फुल हो जाती है, जो कि बहुत जल्दी हो रही है, तो ये अपना सामान ऑटोमेटिकली बाजार में बेच देंगे 90% दाम पर। साले 10% कमीशन काट रहे हैं मेरे से, कहां से शुरू करूं, मेरे को तो ये समझ में नहीं आता कि मैं कहां से शुरू करूं, तो चलिए मेरे हाथ में ऑलरेडी कुचली हो रही है, तो सबसे पहले मैं शुरू करूंगा यहां से। हेलो अंकल जी कैसे हो, तो अगर मैं तेरे ऊपर क्लिक करूं और पचैक से, ओ माय गॉड, पहला मंगलू एंड 1.5 मिलियन कॉइंस हमारी जेब के अंदर, इसको भी निकालो एंड इसको भी निकालो। ए चाचू कैसे हो, तूने तो लगता है फूल से पूरी बर्फ ही तोड़ दी होगी, पूरे पहाड़ निकाल लिए, तो 1.5 मिलियन कॉइन यहां से भी, तो लीजिएगा इस सारे बर्फीले मंगलू के अंदर से मैंने पैसे निकाल लिए, और मेरे को टोटल मिले हैं 31 मिलियन कॉइंस। अभी जाकर ये पेड़ों वाले मंगलू उसको लूटते हैं, ओ भाई इससे तो ऑलरेडी झाड़ खड़ा कर दिया यहां पर, अबे तू इतनी जल्दी कैसे काम कर रहा, थोड़ा आराम से, तो इसका मतलब ये है गाइस इसने एक्स्ट्रा काम किया है, तो इसके पास माल भी बहुत होगा, तो इसके ऊपर क्लिक करते हैं और इसके पास सिर्फ 5 लाख कॉइन्स, क्या बात कर रहा, बर्फीला मंगलू मेरे को 1.5 मिलियन कॉइन दे रहा है और ये सिर्फ 5 लाख। और अभी बारी आती है हमारे स्नो मंगलूस की, लेकिन गाइस मैंने स्नो मंगलूस को खाली करने से पहले एक चीज सोच के रखी है, ये है माइनिंग वाले मंगलूस, ये देखिए अगर मैं इनको माइन करता हूं तो मेरे को मिलेगा माइन वाला एक्सपी, तो मैं क्यों ना एक माइन वाला पेट लेके इनको माइन करके उस पेट का एक्सपी बढ़ा के उस पेट को बाजार के अंदर बेचता हूं, जो मैंने बोला आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये मेरे को समझ में भी नहीं आया। हेलो गाइस व्हिच वन इज द बेस्ट माइनिंग पैड, अभी मेरे को बताओ, अरे क्या बता, गिफ्ट तेरा खोल लेते हैं, क्या निकला इस गिफ्ट के अंदर से, नाइस कुछ रून निकली मेरे को, नहीं वो भी उठा ली पागलों ने यार, मेरे को बहुत से लोग बता रहे हैं कि सिल्वर फिश इज द बेस्ट पैड फॉर माइनिंग, तो अगर मैं ऑक्शन के अंदर जाऊं तो सबसे पहले आता है 8 लाख का, तो एक काम करते हैं ये मैं ले लेता हूं, तो ये गाइस पैड मैंने लिया 8 लाख का, ये माइनिंग के दौरान काम आएगा, अभी मेरे को ये देखना है कि इसका एक्सपी कितना बढ़ सकता है। थरा, तो गाइस ये रहा मेरा ब्रांड न्यू सिल्वर पैड जो कि बिल्कुल लेवल 1 के ऊपर है, और अभी जाके मैं अपने मिनियंस को खाली करता हूँ, ला भाई वसूली दे तेरे कितने, ओरे भाई मेरा पेट एकदम पाक ऑलरेडी 27 लेवल पर पहुंच चुका है, ओ माय, थैंक यू सर जी थैंक यू। तो ये देखो गाइस इतना सारा माल सिर्फ मेरे को इसके अंदर से मिला, आप इसकी टची को, क्या बात है, मैं तो रो रहा था, नहीं सर दिनों दिन माला माल हूंगा मैं तो आज, क्या बात है मेरी पूरी इन्वेंटरी पहली इन्वेंटरी मेरी फुल हो चुकी है, अभी जाके इसको बाजार के अंदर बेच के आते हैं ब्रो, अभी थोड़ा बहुत मेरे को ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पर जो बंदे हैं एकदम लुटेरे हैं, तो अगर मैं एक स्टैक बर्फ का यहाँ पर बेचूं तो मेरे को मिलते हैं 37,000 कॉइंस, लेकिन अगर मैं वही स्टैक अगर मैं यहाँ पर बेचूं तो 38,000 कॉइंस का प्रॉफिट, बेचो खाली कर बेचो खाली कर तो लीजिए गाइस अभी मैंने अपने सारे मंगलू खाली कर दिए, और आपको तो पता है कि जब कभी मंगलू डिगिंग करते हैं तो इनको डायमंड नहीं मिलता है, तो ये रही गाइस मेरी टैची जिसके अंदर पड़े हैं एन्चेंटेड डायमंड्स, ब्रो मैं तो आज खतरनाक अमीर होने वाला हूँ, प्लीज सही दाम दे देती हूँ मैं इस बार, तेरे को पता है मैं इस बार डायमंड्स लेके आया हूँ, लकड़ियां नहीं, तो अगर मैं तेरे ऊपर क्लिक करूं डायमंड के ऊपर क्लिक करूं तो तू डायमंड ले रहा है 80,000 नियरली 80,000 पर स्टैक, और आंटी जी तू कितने की लेगी डायमंड, तूने लिए 81, अच्छा ए तेर से अच्छी तो ये आंटी जी है भाई,
भाई सही भाव दे रही है। 33 मिलियन मेरे बैंक के अंदर ऑलरेडी पड़े थे, तो अभी टोटल मेरे पास आ चुकी है 50 मिलियन कॉइंस। ओ माय गॉड। हे जेरी, तूने सुना ब्रो, मेरे पास 83 मिलियन कॉइंस आ चुके हैं। तो यहाँ पर क्या कर रहा है तू? गेट के पास आना। तो ये रही गाइस जेरी की जगह, तो तू यहीं पे खड़ा रहा। हाँ, किसी ने आने की कोशिश की तो मिलियन कॉइन चार्ज कर लियो। और साथ ही के साथ गाइस, हमारा ये जो माइनिंग वाला पैड था ये भी पहुंच चुका है लेवल 69 पर। और मजबूरी वाली बात ये है कि इतना सारा पैसा कमाने के बाद भी मेरे पास 400 मिलियन कॉइंस नहीं है। और अभी गाइस मुझे अपने दिल पर पत्थर रखना है और अपना सुपीरियर आर्मर मैं फाइनली ऑक्शन के अंदर बेचने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं है। ए, मेरे को सही दाम दियो इसका, ठीक है ना। तो उसके बाद लगाना है मेरे को चेस्ट प्लेट, ये भी 2 दिन के लिए डाल दो, लेगिंग्स भी डाल दो दिन के लिए, और फाइनली हमारे आते हैं बूट, तो ये भी मैं लगाऊंगा 2 दिन के लिए। तो गाइस मेरे पास एक स्कीम है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग जाके ज्यादा से ज्यादा बिडे मारिए सुपीरियर आर्मर तक। ये सुपीरियर आर्मर 1 बिलियन कॉइन का बिकना चाहिए। तो चलिए गाइस, इस छोटी सी वीडियो में इतना काफी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय।